दस वर्ष आगे दस वर्ष तले मान कि ना खाली सामने आप पखाड़ एक भारतीय भोजन के लिए ओड़िया शब्द है जिसमें पके हुए चावल को धोया जाता है या पानी में थोड़ा फर्मेंटेड किया जाता है। तरल भाग या लिक्विड पार्ट को तोरानी के नाम से जाना जाता है। पखाला ओडिशा में तो फेमस है ही, लेकिन कई अन्य भागों में जैसे कि छत्तीसगढ़ या बिहार में भी बहुत पसंद किया जाता है। इसको कैसे खाते हैं पहले बताओ, ऐसे मिक्स करके खाते हैं? गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पखाड़ा खाने की सलाह दी जाती है। आम तौर पर जले हुए आलू पोड़ा या अन्य तली हुई सब्जियों के साथ इसे खाया जाता है। जिन्हें नॉनवेज पसंद है वो तली हुई मछली के साथ पखाड़ा को खाते हैं। ये नट्टू का फेवरेट है ना, कैसा लगता है? टेस्टी है अगर ट्रेडिशनल वे से इसे बनाया जाए तो इस चावल को कुछ घंटों के लिए फर्मेंटेड किया जाता है, लेकिन आज के आधुनिक युग में बिना फर्मेंटेशन का इसमें दही और नींबू ऐड करके भी पखाड़ा बनाते हैं। इसमें नमक कम लगा है तो मतलब नमक स्वाद अनुसार लेना पड़ता है। और दो अब आएगा मज़ा। आप इनमें से कुछ भी ले लो, जैसे कि ये ले लिया, ये मैं खा रही हूँ। इसमें मैंने भाजी मिक्स किया है और ये बीन्स है, और ये रहा दीदी के मुँह में गया, ये पता नहीं, ये उठाई आलू फ्राई। मुझे पता है आइटम्स क्या क्या है। ये आलू चोखा और ये खाया ककड़ी ये इतना फेमस है कि 20 मार्च को ओडिशा के लोगों ने पखाड़ा दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर लिया। One eternity later. अब बता। पूरा पी ली? नहीं पी पाई। मैं थक गई, थक गई। मज़े? वहाँ। हमारे खेलो। Still to go? थक गई। Great खाली। बाबा, how it was, बाबा? पापा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जीजा जी कैसा लगा? जीजा जी, ओ जीजा जी कैसा लगा? ओडिशा के सारे एपिसोड्स में मेरे साथ यूं ही बने रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।